केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सराफा व्यवसायियों पर आयात शुल्क, उत्पादन शुल्क और टीसीएस लगाए जाने के विरोध में पिछले 12 दिनों से ज्वेलर्स की हड़ताल जारी है। दिल्ली की सबसे बड़े सराफा बाजार पूंचा महाजनी में भी विरोध प्रदर्शन किया गया है। ज्वेलर्स के मुताबिक हड़ताल में करीब 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इन व्यापारियों ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री तक के पुतले फूंके हैं। तो दिल्ली में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। ज्वेलर्स की तरफ से एक्साइज ड्यूटी का ये लगातार विरोध कर रहे हैं और इसी विरोध के चलते इन लोगों ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के पुतले फूंके हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो एक्साइज ड्यूटी बजट के दौरान बढ़ा दी गई है उसको वापस लिया जाए। और इसी की एक तस्वीर देखने को मिली है जहां पर एकजुटता देखने को मिल रही है। तो लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इस विरोध प्रदर्शन के चलते अब तक एक बड़ा नुकसान हो चुका है। तो लगातार वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से इस बात की मांग की जा रही है जो एक्साइज ड्यूटी है उसको कम किया जाए और इसी के चलते अपनी मांगों को मनवाने के लिए ये सभी एकजुट नजर आ रहे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और राजस्थान प्रदेश में भी स्वर्णकारों ने राजस्मंद, बाड़मेर, पाली और जैसलमेर में अपने कारोबार को बंद रखकर प्रदर्शन कर अपना विरोध जाहिर किया है। राजस्मंद जिले में ऑल इंडिया सराफा संघ के आह्वान पर पूरे जिले में रैली निकालकर बैठक की गई। व्यवसायियों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। जैसलमेर की स्वर्णकार एसोसिएशन ने अपनी दुकानें बंद रखकर कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी दिया गया। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर स्वर्णकार बंधुओं ने मौन जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारी लोगों ने वित्त मंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा है और सरकारी नीति का विरोध करते हुए पाली के सुनारों ने एकता का परिचय देते हुए कैंडल मार्च निकाला। व्यापारियों का कहना है कि बाजार 10वें दिन भी बंद रहा। पाली के व्यवसायियों का कहना है कि 10 दिन में करोड़ों रुपए का व्यापार प्रभावित हो चुका है। तो विभिन्न शुल्कों के विरोध में व्यापारियों का कहना है कि सरकार को जल्द ही मांगे मान लेनी चाहिए जिससे जनता और कारोबार प्रभावित ना हो। बजट में, बल्कि दूसरे शब्दों में इस काले बजट में सराफा व्यवसायियों के ऊपर जिस प्रकार के अनगिनत टैक्स लगाए गए हैं और व्यवसाय को बर्बाद करने की जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उसके विरोध में देश भर में सराफा व्यवसाय विगत 10 दिनों से लगातार रूप से बंद चल रहा है। तो सराफा व्यवसायियों के ऊपर कस्टम, एक्साइज और बिक्री कर की जो जिम्मेदारियां, जो काला कानून हमारे ऊपर लागा गया है वो जब तक समाप्त नहीं होगा अनिश्चित काल के लिए ये सराफा व्यापार बंद रहेगा। उत्पाद कर जो लगा है उसके विरोध में पिछले 10 दिनों से हमने बंद कर रखा है और इसका जनता में बहुत आक्रोश है, घोर विरोध है, लेकिन तो भी पाली के सभी व्यवसायी बड़े शांतिपूर्ण ढंग से इसको निभा रहे हैं और जो भी विरोध प्रकट कर रहे हैं वो भी पूरा शांति से ही कर रहे हैं। उनका करीब दिन में कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर का ये पाली को नुकसान का छोटा जो व्यवसाय के अलावा जो कारीगर है, मजदूर है, बंगाली बाबू है, सब है, सभी को बहुत नुकसान हो रहा है।